माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेड़ ढलौजी जिला चंबा की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। माननीय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करती है वह यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ जो मुझे काफ़ी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में टाइम मैनेजमेंट के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, परीक्षा और नो परीक्षा। आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती है, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। सामने दिखता है, अरे इतना सारा काम, इतना सारा काम, और उसी की थकान लगती है। करना शुरू करें। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर तीन विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंद की वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं, और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा होगा, आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था, पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा, यूं यूं खींचेगा क्या, ताकत लगाएगा क्या, ऐसा नहीं करेगा।
वो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहां है, और फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है, और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो मां ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था तो मां ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि मां का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है, और जबकि काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोझ अनुभव नहीं होता है, थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है, और जब एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तब भी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है, सुई धागा लेके बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर मां की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट ने 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए, किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है, फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद।